अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे विजुअल स्टडीज डिपार्टमेंट के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप इस डिपार्टमेंट के बारे में हमें गाइड कर दें, किस तरह हमने इसके टेस्ट की तैयारी करनी है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपने टेस्ट की तैयारी किस तरह करनी है, आपका जो एंट्री टेस्ट है उसका सैंपल पेपर किस तरह का है, ठीक है। और हमने बात करनी है फीस स्ट्रक्चर के ऊपर, देन हम बात करेंगे आपका एग्रीगेट जो है किस तरह काउंट होगा, और स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे विजुअल स्टडीज डिपार्टमेंट की, और नंबर ऑफ सीट्स कितनी अवेलेबल है, किस तरह सीट्स को डिवाइड किया गया है, और सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि लास्ट ईयर इस डिपार्टमेंट की क्लोजिंग परसेंटेज क्या थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक इमेज शो की है जिसमें एंट्री टेस्ट सैंपल पेपर की आपको तस्वीर दिखाई गई है, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपके पास 2 घंटे का टाइम होगा, आपका 100 मार्क्स का एंट्री टेस्ट होगा जिसमें से आपके 50% जो है आपके पासिंग मार्क्स होंगे। और सेकेंड जो हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है वो ये दी गई है कि आपका जो टेस्ट है वो 4 सेक्शन के ऊपर होगा, ए बी सी एंड डी, ठीक है। हम आगे डिस्कस करेंगे सेक्शन को, और आगे इसके बाद उसने कहा है कि आप इंग्लिश के अंदर भी और उर्दू के अंदर भी आंसर दे सकते हैं। आपका सेक्शन ए जो है वो 30 मार्क्स के ऊपर बेस कर रहा है। सेक्शन ए किस तरह का होगा मैं आपको उसके बारे में बता दूं, उससे पहले क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपने ग्राफाइट पेंसिल का यूज करना है, ठीक है, और इसके अलावा आपने कलर पेंसिल यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, रूलर का भी यूज नहीं करना, और आपने कोई और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का भी यूज नहीं करना, सिर्फ ग्राफाइट पेंसिल का यूज करते हुए आपने सेक्शन ए के पार्ट को सॉल्व करना है। सेक्शन ए का पार्ट में आपको करना क्या है कि आप उसकी तैयारी किस तरह कर सकते हैं, आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए जैसे आपके डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं बात करूँ फ्रूट्स की, प्लांट्स की, ठीक है, आप इनको ड्रॉ करें, रेडिक पेंसिल से ड्रॉ करें, ठीक है, ग्राफाइट पेंसिल जो होती है, ठीक है, आप इनको स्केच बुक के ऊपर ड्रॉ कर लें, या फिर आप इसको कंप्यूटर पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लें, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं एग्जांपल एक लूंगी फ्रूट बास्केट की, ठीक है, फ्रूट बास्केट आप अपने सामने रखें, ठीक है, तो आप उसको ड्रॉ करें, ठीक है, आप टाइमर लगाएं, ठीक है, टाइमर लगा के आप देखेंगे आप कितने टाइम में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अपने माइंड से उसी पेपर में कुछ ऐसा ड्रॉ करें जो उससे रिलेट कर रहा हो, ठीक है। जैसे मैंने बास्केट ड्रॉ की है फ्रूट की, तो उससे रिलेट क्या कर रहे हैं, जूस का बॉक्स से रिलेट कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह ड्रॉ करें। आपका स्किनर सेक्शन ए के दोनों पार्ट है वो आपके कवर हो जाएंगे, 1-2 पार्ट दिखा रहे, ठीक है। यहाँ पर यही बताया गया है कि अपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने इमेजिनेशन से कोई ऐसा एलिमेंट ऐड करना होगा जो उससे रिलेट कर रहा होगा, ठीक है, ठीक है। आपका सेक्शन ए इस तरह कवर हो जाएगा। आपने इसकी प्रिपरेशन किस तरह करनी है, प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको यही बताया कि आप डेली लाइफ का कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, ठीक है, उसको ड्रॉ करें, टाइमर लगाएं, अपना टाइम सेट करें, आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं सेक्शन ए की। 30 मार्क्स के ऊपर ये बेस कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन बी की, जो कि विजुअल इंटेलिजेंस और इमेजिनेशन के ऊपर बेस कर रहा होता है, ये भी 30 मार्क्स का होता है, ठीक है। आपको इमेजेस दी जाती है, आपने करेक्ट इमेज को चूज करना होता है, ठीक है। मैं इसकी एग्जांपल भी आगे इंक्लूड करूंगा किस तरह आपने किस तरह आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है इसका, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने सेक्शन बी के एग्जांपल दिखाई है कि उसने आपको 8 इमेज दे दी है, उसने पूछा है कि आखिरी इमेज किस तरह की हो सकती है, कि आपने इसको विजुलाइज करना है, ठीक है, और एंड बी एंड आपको आंसर देना होगा, ठीक है। इसके लिए आपने तैयारी किस तरह करनी है, देखिए आप इंटरनेट से इसकी हेल्प ले लें, आप इंटरनेट से इसकी हेल्प लें, इंटरनेट पर सर्च करें इस टॉपिक से, जिस तरह भी आपको जितने भी एमसीक्यूज मिलते हैं इसमें सारी लॉजिक्स होती है, आपने लॉजिक्स को अंडरस्टैंड करना होगा, तो आप ये इजिली इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट जो है हमारे पास सेक्शन सी है, सेक्शन सी जो है वो हमारा बेस कर रहा होता है स्पेशलाइजेशन के ऊपर। स्पेशलाइजेशन का क्या मकसद, क्या मतलब है यहाँ पर, वो ये है कि देखें आपका जो विजुअल स्टडीज डिपार्टमेंट है वो 9 स्पेशलाइजेशन के ऊपर डिवाइड हुआ है। हमने आगे आने वाली वीडियो के अंदर भी उसके ऊपर बात करनी है कि कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन होती है विजुअल स्टडीज डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है आपके एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, वो भी 30 मार्क्स के होंगे। तो ये एमसीक्यूज जो है उन्होंने सिर्फ आइडिया के तौर पर दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आपका जो आपने मैंने बात की स्पेशलाइजेशन की, अगर आपका डिजाइन का है या आर्किटेक्चर का है, तो आपको उससे रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करनी है। आपको नॉलेज कहाँ से हासिल करनी है वो आपने गूगल के हेल्प लेनी है, जितना आप सर्च कर सकते हैं उतने ही आपके अच्छे नंबर यहाँ से आप हासिल कर सकेंगे इस सेक्शन से, ठीक है। लास्ट सेक्शन जो है हमारे पास पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर है। पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है कि आपको 200 वर्ड्स लिखने होते हैं, अपने इंटरेस्ट के बारे में और रीजन बताना होता है आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, और आपका और हम आपको क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, भाई आप वजह तो बताएं, ठीक है। आपने ये नहीं बताना कि भाई भीख नहीं मांगनी अपनी सीट की, ठीक है, आपने जो उनसे आपसे पूछा गया आपने उसी के बारे में डिटेल बतानी है,
ठीक है, आप तीन पैराग्राफ के ना डिवाइड कर लें इसको, आप इंटरेस्ट के बारे, इंटरेस्ट के ऊपर एक पैराग्राफ लिखते हैं और रीजन बता दें कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, फिर आप बता दें कि आप तो क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्यों आपको वो एडमिशन जिस डिपार्टमेंट के अंदर, तो आपने ये भी बताना है ठीक है। अगर आपने कोई स्किल सीखी हुई है, कोई सॉफ्टवेयर सीखा हुआ है अपने स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं ठीक है, तभी वो आपको सुटेबल कैंडिडेट के अंदर कंसिडर करेंगे ठीक है। यहाँ तक होपफुली आपको एजी टेस्ट का सैंपल क्लियर हो चुका होगा, आपको ये पता चल चुका होगा कि आपने अपनी तैयारी किस तरह करनी है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं कि क्या अगर आपने इंटर जो है वो HSC से किया हुआ है, मतलब प्री इंजीनियरिंग के अंदर, प्री मेडिकल के अंदर, इन चीजों के अंदर किया हुआ है, तो आपको 45% रिक्वायर्ड होगी अपने इंटर के अंदर, तो आप एलिजिबल होंगे इस विशेष सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर एडमिशन लेने के लिए ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें डिप्लोमा होल्डर्स की, कि अगर 1960% या उससे ज्यादा ली है तो वो एलिजिबल होंगे इस डिपार्टमेंट के अंदर एडमिशन लेने के लिए, और जिस डिपार्टमेंट से, जिस इदारे से उन्हें डिप्लोमा किया हुआ है वो रिकॉग्नाइज भी होना चाहिए बोर्ड से ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस तरह एग्रीगेट आपका काउंट होगा ठीक है, आपका HSC से 20% का वेटेज निकाला जाएगा ठीक है। अगर आपकी 90% है तो आप उसको इसका 20% वेटेज निकालेंगे ठीक है, फिर आपके एप्टीट्यूड का जो स्कोर होगा उसका 80% काउंट होगा, तो इसी को मिला के आपका 100% कंप्लीट होगा। जितना आपका अच्छा है टेस्ट में स्कोर होगा उतना आपका जो है एग्रीगेट जो है वो आपका अच्छा बनेगा। नेक्स्ट हमने बात करनी है फीस के ऊपर, आपकी सेमेस्टर की फीस चार्जेस जो है वो 51,000 है फिलहाल, तो हर सेमेस्टर इंक्रीज होते रहते हैं, हो सकता है जब आपका एडमिशन हो जाए तो ये यहाँ पर 54 हो जाए, 53 हो जाए, कुछ भी हो सकते हैं ठीक है। लेकिन एडमिशन की फीस जो होती है वो 3,000 से लेकर 5,000 के दरमियान हो सकती है ठीक है, तो ये आपकी का आपको आइडिया हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट हमने बात करनी है स्पेशलाइजेशन के ऊपर और सीट एलोकेशन के ऊपर। स्पेशलाइजेशन के भी यहाँ पर मैंने सारे नाम मेंशन किए हुए हैं, अगर हम बात करें आर्किटेक्चर की तो यहाँ उसकी नंबर ऑफ सीट जो है वो 20 होती है, टेक्सटाइल डिजाइन की 20 है, ग्राफिक डिजाइन की 20 है, फिल्म की 20 है, एनिमेशन की 20 है, फाइन आर्ट की 15 है, इंडस्ट्रियल डिजाइन की 15 है, इस्लामिक आर्ट्स की 10 है और सेरामिक एंड ग्लास की जो है 10 है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है इस डिपार्टमेंट के अंदर, विजुअल सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर 150 होती है ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने इसको बताया हुआ है किस तरह उन्होंने सीट्स को डिवाइड किया हुआ है ठीक है। आपको अपना स्पेशलाइजेशन को सिलेक्ट करना लाजमी होता है, तभी जब आप फॉर्म फिल करेंगे आपको बताना होगा कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है, उसी से सेक्शन सी जो है आपका पूरा का पूरा स्पेशलाइजेशन के ऊपर बेस कर रहा होता है ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट ईयर क्लोजिंग की, तो अगर आप देख सकते हैं एनिमेशन डिपार्टमेंट की तो टेस्ट के अंदर स्कोर जो है 40 स्कोर है और यहाँ पर जो है इसने एग्रीगेट काउंट किया हुआ है। इसी तरह हर डिपार्टमेंट की बात करें, आर्किटेक्चर होगी हमारे पास, इसका स्कोर देख सकते हैं, इसका आप एग्रीगेट देख सकते हैं, तो ये आपके पास लास्ट ईयर क्लोजिंग है जो आपके आपको हेल्प आउट कर सकती है कि आप आपका एडमिशन हो सकता है नहीं हो सकता, आप इससे एक आइडिया ले सकते हैं ठीक है। और सबसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 40 स्कोर्स की बात की गई, क्योंकि लास्ट ईयर जो कोविड था, कोविड की वजह से ऐसा हुआ था कि इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट नहीं हुए थे, तो इस वजह से यहाँ पर 40 स्कोर रख दिए गए थे टेस्ट के ठीक है, इस वजह से ठीक है, वरना 50 टेस्ट आपको 50 मार्क्स होते हैं टेस्ट को क्लियर करने के लिए। अगर आपको फिर भी कोई इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, लेकिन आप रिपीटेड क्वेश्चन ना पूछें, हर चीज मैंने वीडियो के अंदर क्लियरली मेंशन कर दिया है, होपफुली कि आपको सब कुछ अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।